Let us start with so we are going to study now. So this is a device to measure the atmospheric pressure. So this is a device to measure the atmospheric pressure. So all in first, what we will do is we will take a trough, right? What is a trough? It is filled with mercury. Okay, so we are taking a trough filled with mercury. Now this is how the mercury is going to be present, right? So it is a non-wetting liquid. आप सबको पता है कि वाटर जो है इट इज अ वेटिंग लिक्विड है कि नहीं, राइट? अगर आपने आपके कपड़े में पानी रखा तो पानी क्या करेगा, वो इसको वेट कर देगा, यानी ये जो कपड़ा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट? और आपने अगर मर्की रखा तो मर्की नीचे रोल डाउन हो जाएगा एक ड्रॉप, वो नॉन वेटिंग है, इसलिए उसका शेप ऐसा बनता है जो हम लोग सरफेस टेंशन में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में, हाँ, शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। तो फिलहाल आप समझ लो कि ऐसा शेप है इसका, ठीक है? अब ये पूरा जो है एचजी यानी मर्करी से भरा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में भी हम लोग जो है पूरा इसमें एचजी भर देंगे एकदम। और क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर जो है थंब प्लेस करेंगे ऐसे, ये थंब है, ठीक है? फिर इसको हम लोग बीच में भी एचजी है, यहां भी एचजी है, इसको हम लोग इसके अंदर इन्वर्ट करना है, हमें इसको इस तरह इन्वर्ट करना है ताकि कि एयर इसके अंदर न जा सके, ठीक है? तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको यहां से उठाकर इसको अंदर ले जाकर तब वो थंब को रिप्लेस करेंगे, यानी रिप्लेस नहीं, थंब को हम लोग वहां से रिमूव करेंगे, ठीक है? रिप्लेस तो नहीं करना है, तो इसको यहां से उठाकर या इसको अंदर डालकर फिर थंब को हम लोग रिमूव करेंगे, समझ में आप लोगों को? तो उससे क्या होगा, उससे जो एटमॉस्फेयर यानी एयर है वो उसके अंदर नहीं जा पाएगा, फिर ये इस तरह से हो जाएगा, सही है? ऐसा आ जाएगा। और थोड़ी देर जब उसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे तो हम देखेंगे कि वो जो अंदर मर्करी है उसका लेवल थोड़ा एक पॉइंट पे आकर वो लेवल कैसा हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद वो नीचे नहीं जाएगा। तो ये जो हाइट है मर्करी का, इसको हम लोग कुछ एक्स कह देते हैं, ठीक है, राइट? और यहां पे ये पूरा मर्करी है, राइट, लिक्विड फॉर्म एचजी, और यहां पे जो है एचजी वेपर्स है, पीओआरएस, क्यूओआरएस, ठीक है, ओके, एचजी वेपर्स। तो ये जो एचजी वेपर जो यहां प्रेजेंट है इसको टॉरिसेलियस वैक्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टॉरिसेलियस वैक्यूम, टॉरिसेली ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? और वैक्यूम बोलते हैं क्योंकि उसे लगा कि ये एब्सोल्युटली वैक्यूम है, कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि मर्करी तो नीचे आ गया तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, उसको ऐसा लगा, इसलिए उसने क्या नाम दिया इसको, टॉरिसेलियस वैक्यूम। लेकिन अभी जैसे जैसे एडवांसमेंट आ गया हमें समझ में आया कि वहां पे प्योरली वैक्यूम नहीं है, वहां पे कुछ एचजी के वेपर्स हैं जिनका प्रेशर मिनिमल है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, समझ में आप लोगों को? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस डिवाइस से हम लोग हाउ कैन वी मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। तो अभी यहां पे अगर हम तीन पॉइंट कंसिडर कर ले, ठीक है, तो यहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ए पे, पी ए, राइट, वो किसकी वजह से है? तो अगर आपने ऐसा एक एटमॉस्फेयर में कॉलम ले लिया है ना थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, तो वो जो एयर का प्रेशर बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं। तो एयर जो है वो भी एक फ्लूइड है, वो भी क्या है, फ्लूइड। तो वो जो फ्लूइड है उस पूरे फ्लूइड का जो प्रेशर है एयर का, हाँ, जो आप निकालोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो उसको हमने पी नॉट कहते हैं, जो हमें मेजर करना है, जो हमें फाइंड आउट करना है।
राइट, अभी ये तीनों पॉइंट ए की हॉरिजॉन्टल लाइन लाई कर रहे, तो प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब प्रेशर एट बी क्या है, लेट अस फाइंड। तो प्रेशर एट बी जो है इट इज ओनली ड्यू टू दिस फ्लूइड। अब प्रेशर एट ए वाज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक फ्लूइड, यानी एट यानी एयर, राइट। एयर इज कंसीडर्ड हियर एज अ फ्लूइड, राइट, इट इज कंसीडर्ड एज अ फ्लूइड। तो वो फ्लूइड का जो प्रेशर है, उस फ्लूइड के प्रेशर को इस फ्लूइड ने बैलेंस किया, समझ में। इस फ्लूइड का प्रेशर है, इस फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा यहां पे, इस जगह पे, तो वो इस लिक्विड कॉलम की वजह से होगा। और इस लिक्विड कॉलम का हाइट कितना लिया हमने, एक्स लिया है, सही है, या आप इसको एच ले लो, चलो। तो वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, जो कि फ्लूइड कौन सा है, तो डेंसिटी किसका है, तो रो जी, जी इज जी तो सबका है, और हाइट किसका, एच का। तो ये जो आप देख रहे हो, ये आपको देगा प्रेशर एट बी। जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं राइट आइडियल सिचुएशन में, ये जो हाइट निकल के आता है, ये आप सब जानते हैं, ये 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या 760 एमएम ऑफ एचजी निकल के आता है, समझ में आपको। तो ये अभी प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट ए ही लिक्विड लाइन कर रहे हैं और ए ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं इन हाइड्रोस्टैटिक्स, इसलिए PA must be equal to PB. तो PA is P atmosphere equal to PB, so that is rho hg g into h hg, सही है? rho hg कितना होगा? आपको पता है 13.6 into 10 raise to 3 kg per meter cube, acceleration due to gravity is 9. and height कितना है? 76 centimeter, यानी 0.76 meter. तो ये सब जो कैलकुलेट करते हैं, तो ये निकल के आता है 1.013 into 10 raised to 5 pascal या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में, सही है। तो ये जो प्रेशर है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट वो क्या है, वो है पास्कल, साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल के नाम से, राइट। और ये ऐसा यूनिट है, तो 1 पास्कल जो है दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ में। कैसे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये समझ में आपको, मल्टीपल पर मीटर। तो यहां से ये जो निकल के आ रहा है, ये आपने मेजर किया है प्रेशर ड्यू टू एचजी, इस पॉइंट पे ये जो एचजी का कॉलम है, लिक्विड कॉलम, इस लिक्विड कॉलम की वजह से यहां जो प्रेशर है, इस प्रेशर ने यहां पे एयर कॉलम का जो प्रेशर है उसको बैलेंस किया, समझ में आपको। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको यूज किया है फाइंड करने के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, समझ में आया।